आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस बीच अब एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चीन में कोरोना कहर को देखते हुए भारत में भी सरकार एक्टिव मोड पर आ गई है। कोरोना को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है और उसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस नेता अपनी प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी इस मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि क्या भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है? क्या भारत सरकार को राजस्थान और कर्नाटक में भाजपा की यात्रा नहीं दिख रही है? हम नियमों का पालन करेंगे, लेकिन सरकार उसकी घोषणा करे और वे नियम सभी पर लागू करे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही? ये मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।